है तो करना होगा, बस शुरू आज से करना होगा। दुनिया से तो बाद में, पहले तुझे खुद से लड़ना होगा। हाउ यू लुक, हाउ यू स्पीक, हाउ यू एक्ट, दीज ऑल डिफाइन्स योर पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कामरा, मैं हूं एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट, और स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक नई सीरीज ब्रांडिंग के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था आपको कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक नया वीडियो लाने वाला हूं, मैं आज सिखाने वाला हूं आपको अपना पर्सनल ब्रांड कैसे डेवलप करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की जर्नी में अगर आप हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करें, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पे भी काम करना चाहिए, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेहनत का काम है, क्योंकि लोग उसी को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं जो जेन्युइन दिखे, मतलब जो आप अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, वैसा आप खुद रियल लाइफ में हो। दूसरा पॉइंट है, डोंट पुट फेक एटीट्यूड, मतलब कि हमें फेक एटीट्यूड कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हीं को सुनते हैं जो कि जेन्युइन हो, जो कि ट्रस्टवर्दी हो, और उन्हीं के साथ ही बिजनेस करना पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है, हैव ए फोकस, मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कि आपको ये देखना होगा कहीं ये मैसेज गलत कन्वे तो नहीं हो रहा। जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या वही मैसेज, सेम मैसेज क्लाइंट को डिलीवर हो रहा है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान लीजिए कोई हेल्थ की ब्रांडिंग कर रहे हैं, और आप हेल्थ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हुए वहाँ पर डोमिनोज मैकडी की पिक लगा देते हैं, वहाँ पर गलत मैसेज चला गया कि एक तरफ तो आप हेल्थ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हेल्थ को नुकसान देने वाले प्रोडक्ट हैं वो, उनकी आप फोटो दिखा रहे हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वही मैसेज कन्वे होना चाहिए, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। नंबर फोर्थ पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। हेयर कंसिस्टेंसी इज ए की, मतलब कि मान लीजिए आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, और आप डेली आप डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हैं, और वो जो पोस्ट डालते हैं उसमें आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन डाली, दूसरे दिन भूल गए, तीसरे दिन भूल गए, फिर डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंट मेंटेन करके चलना चाहिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट है, लिव योर ब्रांड, मतलब कि आपको ये श्योरिटी देनी होगी कि आपका लाइफस्टाइल जैसे है वैसे ही आपको होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हो तो कुछ और आप अपने आप को प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। आपको अपनी ब्रांड को जीना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मान लीजिए एक हेल्थ कोच हैं, और हेल्थ कोच आप लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे हैं, परंतु अगर आपका सर्कल ऐसा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपके दोस्त हैं जो कि स्मोक करते हैं, जो कि ड्रिंक करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत इम्प्रेशन जाएगा, तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। नंबर सिक्स पॉइंट है, पर्सनल ब्रांडिंग इज प्रोमिस टू योर क्लाइंट अबाउट योर प्रोमिस, अबाउट योर कॉम्पिटेंसी, अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर ट्रस्ट। पर्सनल ब्रांडिंग को कभी भी एक प्रेशर की तरह नहीं लेना चाहिए, इसे पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इसलिए हम सबको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर हो, वो बड़े बड़े बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, जैसे कि शाहरुख खान है, जैसे कि आमिर खान है, इनके साथ अगर कोई फिल्म साइन करते हैं तो उनको पता है ये फिल्म उनकी चलने वाली है, कोई रिस्क नहीं है उनको वहाँ पर। तो ये होती है पर्सनल ब्रांड की पावर, जहाँ पर लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, उनको आपके फेथ होता है, उनको ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी अमिताभ बच्चन साहब का लेते हैं। एक टाइम ऐसा था जब अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उस टाइम पे 400 करोड़ का लॉस हो गया, उस टाइम पे 400 करोड़ बहुत ही ज़्यादा होते थे, वो पटरी पर आ गए थे, परंतु क्योंकि उनका एक अपना पर्सनल ब्रांड था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उन्होंने खुद एक छोटे से सीरियल के साथ, छोटे पर्दे के साथ
कौन बनेगा करोड़पति के नाम से सीरियल स्टार्ट किया और उससे वो फिर से खड़े हो गए। आपको पता ही है उसके बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में, कितना पॉपुलर हुआ था वो शो। और ड्यू टू दिस पर्टिकुलर शो वो फिर से बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। तो ये पावर है पर्सनल ब्रांडिंग की। एक और नाम आपने जरूर सुना होगा, संजीव कपूर का, जो एक बहुत ही पॉपुलर शेफ हैं। वो मुंबई में बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती हैं, वो बैठे मुंबई में हैं, उनके जो रेस्टोरेंट है दुबई में चल रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बेहतरीन फैशन डिजाइनर, जिनके नाम पे लोग लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अपनी ऑडियंस का, अपने फॉलोअर्स का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो इस ब्रांडिंग सीरीज को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों तक ले जाएं। इस वीडियो का टारगेट भी मैं 1000 लाइक्स रख रहा हूँ। प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल का नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रांडिंग सीरीज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगली जो वीडियो आने वाला है वो भी आपके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ही होगा, और आपको अपनी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।